हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ। सो मैं खुद ट्रैवलिंग पर हूँ, बट फिर भी मैं आपके साथ जो भी मेरे पास नई अपडेट आती है मैं आपके साथ जस्ट शेयर करना चाहता हूँ। सो मेरी वीडियो बनाने का थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। सो फ्रेंड्स, हमारे पास एक वीज़ा अप्रूव हुआ है। सो मैंने खुद अनबॉक्सिंग नहीं किया, मेरे किसी क्लाइंट ने किया अनबॉक्सिंग। उसको वीज़े को उन्होंने देखा, मुझे फ़ोटो सेंड की कि भाई वीज़ा लग गया है हमारा। तो मैंने उनको विश की कॉन्ग्रेचुलेशन है, बताना आपका कैसा एक्सपीरियंस रहे। सो भाई, वो वीज़ा कौन सी कंट्री से अप्रूव हुआ, क्या क्या डॉक्यूमेंट है, सो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सो मेरा फ्रेंड से उसकी मदर का वीज़ा है जी, उसकी मदर का वीज़ा हमने वीज़ा लिया था, इटली से वीज़ा लिया था उनका। इटली से वीज़ा लिया था हमने, उनको प्लान दिखाया था इटली का, कोई 20 डे का प्लान दिखाया था इटली का। 10 डे का हमने दिखाया था ऑस्ट्रिया का प्लान, एंड जो सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उनके पास है हमने वही उनके डॉक्यूमेंट लगाए, कैसे ITR होगी, बैंक बैलेंस हो गया, एंड उनके पास FD वगैरह है ऐसी वो भी शो की थी हमने, एंड उनके बेटे ने स्पॉन्सर किया था उनको कि मेरे पास मेरी मदर आ रहे हैं, ठीक है, उनका बेटा सिटीजन है। उस अकॉर्डिंग हमें वीज़ा अप्रूव होने निकल गया, कोई 10 to 12 डे वर्किंग डे के बीच में हमें वीज़ा अप्रूव हो गया। सो वीज़ा कितने टाइम का हमें वीज़ा मिला है हम वो भी आपको बताएंगे। सो हमें वीज़ा मिला है उनका 3 मंथ का वीज़ा मिला है, मल्टीपल एंट्री के साथ वीज़ा मिला है उनका। सो आप वो उनको ट्रैवलिंग करने के लिए भी हम गाइड कर रहे हैं कि आप कैसे ट्रैवलिंग करें, कैसे वहाँ पर घूमें, आपको कौन से एयरपोर्ट पर रेफर करें, आपको थोड़ा बेस्ट पड़ेगा। हाँ, क्योंकि उनकी मदर है, वो कोई खास एजुकेशन नहीं उनके पास। हाँ, मीन्स कि हमने उनके बेटे ने मेरे ऊपर ही बोला था कि भाई आप ही बताना मदर मेरी कैसे ट्रैवल करें। सो आपके साथ कैसे भी नई नई अपडेट हम शेयर करते रहते हैं शेंगेन के रिगार्डिंग, कि शेंगेन में आप कैसे अपना वीज़ा निकाल सकते एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते, हम इस अकॉर्डिंग भी आपको गाइड करते रहते हैं। इस वीडियो में भी आपको मैं गाइड करूँगा कि आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। सो आपके पास ITR होनी चाहिए, लास्ट 2 ईयर की ITR होनी चाहिए, एंड आपके पास होना चाहिए बैंक बैलेंस होना चाहिए, अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो गया आपके पास, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, या आप बिजनेस करते या आप जॉब कर रहे हो, सैलरी स्लिप होनी चाहिए, एंड आपके पास 9 ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए कंपनी का। इस अकॉर्डिंग आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, और अदर डॉक्यूमेंट आपके आपको चाहिए होएगा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, आपको मैं बताता हूँ कि हाँ कैसे आप अपना वीज़ा निकाल सकते हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप रेडी कर सकते हो इन केस फ्यूचर में आपने वीज़ा अप्लाई करना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम, मैं आपको सही गाइड करूँगा। एंड हमारे पास वीज़े आ ही जा रहे हैं, ठीक है, परमिशन नहीं है मेरे पास वीडियो डालने की, इन्होंने परमिशन दी कि आप वीडियो डाल लो। सो मेरे पास फ्रांस का वीज़ा अप्रूव हुआ है, 2 स्विट्ज़रलैंड के वीज़े अप्रूव हुए, 1 फ्रांस का वीज़ा अप्रूव हुआ है। सो ऐसे करके वीज़े आते, किन किन की परमिशन होती हम वीडियो डालते, किन की नई परमिशन होती हम वीडियो नहीं डालते। सो मैं बता सकता हूँ कि हाँ हमारे पास ये वीज़े अप्रूव हुए, बट उनका नाम और उनका वीज़ा मैं शेयर नहीं कराँगा, मुझे परमिशन नहीं। मैं बता सकता हूँ कि हाँ मेरे पास इटली का वीज़ा भी हुआ है, उनकी मैं वीडियो डाल दी है। सो मेरे पास फ्रांस का भी हुआ, स्विट्ज़रलैंड का भी हुआ, उसकी वीडियो नहीं डाली। सो भाई, नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके साथ, UK की वीडियो आएगी कि UK में हमने टूरिस्ट वीज़ा कैसे निकाला, वो भी वीडियो आ चुका है, बट उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगा, क्यों मैं खुद ट्रैवलिंग पर हूँ। सो थैंक यू सो मच।